शाबाश शाबाश, चल उठा। वाह वाह वाह, बंसी जल्दी कर जल्दी, अभी बहुत काम बाकी है। अरे दादाजी, आपकी मेहनत से तो इस बार खेती दुगनी हो गई है। अरे मेरी मेहनत क्या, ये सारी मेहनत तो मेरे पोते बादल की है। अगर हमारी फसलें यूं ही खड़ी होती रही ना, तो हम शमशेर सिंह से अपनी खोई हुई जमीनें वापस ले लेंगे। अनिल जी, जब भी मैं जमीन के टुकड़े को देखता हूं, मेरी आंखों में खून उतर आता है। यही वो जगह है जहां इस बुड्ढे के बेटे ने मेरे पिता का खून किया था। परसों पहले ये जमीन का टुकड़ा मेरे बाप के खून से लाल हुआ था, और अब मैं इसे इस खानदान के खून से लाल करूंगा। किरण सिंह, तुम्हें ये बाढ़ नहीं दिखी या हमारी ये लहलाते खेत नहीं देखे गए तुमसे? जीप की ब्रेक नहीं लगी तो उसमें छोटे ठाकुर का क्या कसूर? तुम चुप रहो जी। ठाकुर किरण सिंह, मैं तुम्हारी इस हरकत को क्या समझूं? एक अनचाहा हादसा या दुश्मनी की दबी हुई चिंगारी को फिर से भड़काने की कोशिश? दुश्मनी की चिंगारी आपके दिल में दबी होगी, मेरे दिल में तो वो हमेशा आग बनकर भड़कती रही है, जो वक्त आने पर जमीन के इस टुकड़े को भी अपनी लपेट में ले लेगी। ठाकुर, मुंह छोटा हो तो बड़ी बात नहीं करते। अपनी जीप को वापस ले जाओ, और दोबारा यहां आना हो तो ब्रेक चेक करके आना। अभी तो ब्रेक फेल हुई है, दोबारा टूट जाएगी। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? मैं ब्रेक की बात कर रहा हूं, तुम्हारी गर्दन की नहीं। छोटे सरकार से बदतमीजी करते हो बुड्ढे। क्यों रे ठाकुर के कुत्ते, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दादाजी पर हाथ उठाने की? लगता है तुम भूल गए किरण सिंह, तुम्हारे बाप ने हमारे खेतों की बाड़ तोड़ने की कोशिश की थी, जिसकी सजा में उसे अपनी जान देनी पड़ी थी। मेरा बाप मर्द था, मर्दों की तरह सीने पर गोली खाकर मरा था, लेकिन तुम्हारे बाप ने पीछे से वार किया था, वो कौन था? किरण सिंह! अरे तुम्हारा तो खानदान ही बुजदिलों का खानदान है। मर्द होते तो बाप दादाओं की जमीन बेचकर जमीन के छोटे से टुकड़े पर जिंदा ना रहते। अब अगर हमसे टकराने की कोशिश की तो याद रखना, जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा भी हाथ से निकला। अरे कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो इस जमीन को अपने गंदे हाथों से छू सके। तुमसे तो मैं उस दिन बात करूंगा जिस दिन मैं इन तारों के अंदर खड़ा रहूंगा और तुम और तुम्हारा खानदान बाहर होगा। उस दिन का सोचने से पहले अपना कफन जीप में साथ रख लेना। कफन तो मैं तुम सबको बैठाऊंगा, और बहुत जल्दी। उस दिन का इंतजार रहेगा भाऊ, बहुत इंतजार। चाचा जी, लगता है वो आ गए। तुम्हारे पति ने जैसे जीप की ब्रेक लगाई, लगता है गुस्से में है। चाचा जी, मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूं जमीन का वो टुकड़ा खरीद लीजिए, लेकिन आप किस जमीन की बात कर रहे हो बेटे? वही जो इतने सालों से हमारे दिल का नासूर बनी हुई है, रघुवीर सिंह वाली। उस जमीन ने तो हमें भी दुखी किया है बेटे, लेकिन हमें इतना पता है कि ठाकुर रघुवीर सिंह अपने जीते जी जमीन का वो टुकड़ा कभी नहीं बेचेंगे। वो बहुत अनख वाला ठाकुर है। लेकिन आप चाहे तो उसकी अनख तोड़ भी सकते हैं चाचा जी। लोगों ने तो खानदान के खानदान तक खत्म करा दिए दुश्मनी निभाने के लिए, फिर ये दादा और पोता क्या चीज है? चाचा जी, अगर आप कानून हाथ में नहीं लेना चाहते ना, तो मुझे इजाजत दे दीजिए, मैं दो दिन में दोनों को खत्म करा दूंगा। जो काम कानून नहीं कर सकता वो पैसा कर सकता है। किरण बेटे, जिस झगड़े में हमने अपने भाई को खोया, तुम चाहते हो हम अपने खानदान की आखिरी निशानी को भी खो दें? बेशक तुम हमारे भाई के बच्चे हो, लेकिन हमने अपनी बेटी मीनाक्षी और तुम में कभी कोई फर्क नहीं समझा। तार पढ़ो बेटी, सारी दुनिया जानती है कि हमारे खानदान में एक बेटी मीनाक्षी है और एक बेटा है।
ठाकुर किरण सिंह। चाचा जी मीनाक्षी के इम्तिहान खत्म हो गए हैं, वो दो दिन में आ रही है। शाबाश बेटी, समझे? नहीं बेटा नहीं, इस दुश्मनी में क्या रखा है, जो हुआ उसे भूल जा। कैसे भूल जाऊं माँ, तू क्या चाहती है? वो हमारी फसलें उजाड़ दे और मैं खड़ा देखता रहूं, वो हमारी जमीन हत्याने की धमकी दे और मैं सुनता रहूं, वो दादाजी के सामने अकड़कर बात करे और मैं चुप रहूं, ये कभी नहीं होगा माँ। अगर उन लोगों ने फिर ऐसी धमकी दी, मैं उन लोगों के खेत खलियान चला के राख कर दूंगा। नहीं नहीं बादल नहीं, तू नहीं जानता बेटा इस झगड़े में मैंने क्या क्या खोया है, मैं किसी कीमत पर तुझे खो नहीं सकती। अपने दादाजी का तो सोच, तू ही तो उनके बुढ़ापे का सहारा है, तू ही तो उनके कुल की निशानी है। अगर तुझे कुछ हो गया, तुझे मेरी कसम, भूल जा इस दुश्मनी को, भूल जा इस दुश्मनी को। रो मत माँ, मैं तुझे रोता हुआ नहीं देख सकता। तू जो चाहेगी वही होगा माँ। बादल, अरे बहू, चौधरी ने हमारे लिए बैंक से कर्जा मंजूर करवा लिया है, हमें तो सिर्फ 500 महीना देना पड़ेगा। अरे तब तो दादाजी मैं कल ही शहर जाता हूँ ट्रैक्टर खरीदने के लिए। अरे ट्रैक्टर खरीदने तो कल जाना, लेकिन अब दादा के लिए चिलम तो भर कर ला। हाँ, हाँ, आया। ला 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 दादाजी, चिलम भी तैयार है, हुक्का भी तैयार है, मैंने तंबाकू अपने हाथों से तैयार किया है, लीजिए लाइए आपका हाथ और मेरे सर पर रखिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए जैसे आप बादल को आशीर्वाद देते हैं। मैं जानता हूँ तू बादल को नौटंकी में ले जाने के लिए आया है और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, समझे? दादाजी मेरी रामलीला को नौटंकी मत कहिए, मेरी आत्मा को तकलीफ होगी, मुझे आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। लाइए आपकी टांगे, लाइए। वाह क्या मखनी टांगे। अरे तू चाहे मेरी जितनी भी सेवा करे, लेकिन मेरा फैसला अटल है, मैं बादल को रामलीला में नहीं जाने दूंगा। तू मेरा क्या होगा? अरे तू दादाजी के साथ खेतों में काम कर, मैं चला ट्रैक्टर लेने। नहीं 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 नहीं, ये आदमी मेरे साथ खेतों में काम नहीं करेगा। अरे ये तो खेतों में भी रामलीला करेगा। वाह, जब राम नहीं रहेगा तो मैं लीला आपके साथ करूंगा, क्या बात करते हैं आप, जहाँ राम उसके पीछे उसका हनुमान। वाह वाह, तो चलो हनुमान चलो। जय श्री रामचंद्र की जय। बहुत बढ़िया जी। हाँ कितने दिनों में गांव पहुंच जाएगा? 6-7 दिन में। आइए ऑफिस में आइए, मैं आपको गारंटी फॉर्म देता हूँ, आइए। कमाल है, जादू चिराग। अरे वाह, तूने तो पहली मुलाकात में ही दोस्ती कर ली। आशर बेटी। चिराग कौन ले गया? अरे मेरा ट्रैक्टर कहाँ? वो क्या, वो सड़क पे जा रहा है। ये ट्रैक्टर तुम्हारा है? जी हाँ, कितना शानदार है, देखिए ना बिल्कुल आप ही तरह। मीनाक्षी तुम्हें चोट तो नहीं आई? क्या कह रही हैं आप, राम भाई साहब के होते हुए सीता बहन को चोट लग सकती है? यू शट योर ब्लडी माउथ। वाह वाह, क्या गुस्सा है, आप रावण पर क्या गुस्सा करेंगे? देखिए इनकी एक रामलीला है, उसमें आप सीता का काम करेंगे? शट अप यू रास्कल। ये रास्कल का क्या मतलब है सीता जी? रास्कल का मतलब है खूबसूरत, तुम बहुत खूबसूरत हो। गलत सुंदरी गलत, अगर मैं बहुत बड़ा रास्कल होता तो ये लोग हंसती नहीं, इसका मतलब आप झूठ बोल रही हैं। रास्कल तो आप हैं।
बहुत बड़ी रास्कल। रास्कल? मैडम कहाँ है रास्कल? ये है, इसने अपना ट्रैक्टर सड़क पे खुला छोड़ दिया। सिपाही साहब, ट्रैक्टर है, गाय भैंस तो नहीं कि मैं बात कर रख दूंगा। बातों में बताइए, फौरन चलान कर लीजिए। इसके ट्रैक्टर ने मेरी साइकिल बुरी तरह से तोड़ दी। सिपाही साहब, इनकी साइकिल मेरे ट्रैक्टर के नीचे आ गई। क्या मेरा ट्रैक्टर इन पे मेरा मतलब इनकी साइकिल पे नहीं चलेगा? सिपाही साहब, आई एम वेरी सॉरी, ये ट्रैक्टर हमारी दुकान से बाहर आया, गलती से इसके स्टार्टर का बटन दब गया होगा। तो ले जाइए अपने इस ट्रैक्टर को, आइंदा इसके बटन पर ढक्कन लगा कर रखो, कहीं ऐसा ना हो आता जाता फिर कोई बटन दबा दे और फिर ये किसी के ऊपर चढ़ जाए। थैंक यू मीनाक्षी, इनके मुंह लगना अच्छा नहीं। नमस्ते रास्केल जी। शट अप। क्या बात है दोस्त, तूने पहले दिन ही दोस्ती का हक अदा कर दिया। बहुत खूबसूरत लड़की से मिला दिया। ये लीजिए गारंटी फॉर्म, 8-10 दिन में आपके गांव में आपको ट्रैक्टर की डिलीवरी मिल जाएगी। थैंक यू। जल्दी करो, बस जा रही है, बादल फौरन आओ। ओह, सीट खाली है मेरे लिए। आप हमारे गांव जा रही हैं? शट अप। तुम? अरे रास्किल जी आप। नमस्ते जी। अगर आप ऐसे मिलते रहेंगी तो जिंदगी का सफर बहुत अच्छा कटेगा। इधर रख देता। अच्छा इधर रखता। हाथ जरा उधर हटेंगी। कंडक्टर, क्या हुआ? कंडक्टर, बस में कोई और सीट खाली है? क्यों, क्या हुआ? क्यों रास्किल जी, आप बैठ जाइए ना। मुझे यहाँ पे नहीं बैठना है। और आप कहाँ बैठेंगी? सारी बस तो भरी हुई है। ठीक है, मैं सारी रास्ते खड़ी रहूंगी। अरे कमाल करती है, औरत खड़ी रहेगी और आदमी बैठा रहेगा, अच्छा नहीं लगता। आप बैठ जाइए ना रास्किल जी। बैठ जाइए ना भाभी जी। भाई साहब कितने प्यार से कह रहे हैं, कितना चाहते हैं आपको। और तालू प्यार दी कदर नहीं होती। अरे हाथ पैर पकड़ के मना ले यार। रुस गई चांजरा वाली ते साडे पाने रब रुसिया, अस रुसिया यार मनाना नी, अस रुसिया यार। नीचे उतो साहब, जल्दी जल्दी। चलो जल्दी जल्दी। और तो एक तरफ, मर्द एक तरफ, लाइन रख लेगा।
क्या हुआ? पता नहीं जम हो गया, रात कहीं गुजर नहीं हो गई। यहाँ जंगल में कोई चारा भी तो नहीं? बस को गायब हुए इतनी देर हो गई इंस्पेक्टर, तुम्हारे पास अभी तक कोई खबर नहीं? रिपोर्ट आई है ठाकुर साहब, और हमने उस इलाके की चौकी को खबर भी भेज दी है, बस का पता लगाया जा रहा है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, उस बस में जो मुसाफिर थे उनका क्या हुआ? कितनी बार बताऊं आपको कि अभी हम कुछ नहीं कह सकते। इंस्पेक्टर साहब, उसमें मेरा पोता भी था। बादल, बचाओ, पुलिस बचाओ, बचाओ। कहो क्या बात है? ये पुलिस स्टेशन है ना? हाँ हाँ, ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ कोई डर नहीं, बोलो। शुक्र है भगवान का, खोल दो बुरका, जल्दी से मेरी ले लो। हाँ? रिपोर्ट कि मैंने मेरी इज्जत कैसे बचाई डाकुओं से। शरबती, तुम बादल कहाँ है? बादल मेरे साथ था, लेकिन डाकुओं के हमला करने के बाद एक जवान खूबसूरत लड़की, क्या नाम था उसका? मीनाक्षी। मीनाक्षी मेरी बेटी, कहाँ है वो? वो बादल के साथ अंतरिक्ष यान में चली गई है, मेरा मतलब है बस में चली गई है। बादल, ठाकुर शमशेर सिंह, अगर तुम्हारी बेटी मेरे पोते के साथ है तो उसकी चिंता मत करो, बादल उसकी रक्षा करेगा। बादल और उसकी रक्षा करेगा? ये तो मामूली से खराश है, ठोक मारने से ठीक हो जाएगा। आप गिरी कैसे? ये पत्थर, ये तो ये। अरे ये तो कछुआ है, मासूम सा जानवर, इससे क्या डरना? ये तो चुटकी बजाए अंदर और चुटकी बजाए बाहर। देखोगे, ये देखो, अंदर बाहर, अंदर बाहर। बस बस, इसे अंदर ही रहने दो। चलो इसे तो अंदर ही रहने देते हैं। आप बताइए, आप जा कहाँ रही थी बस में? मैं रायगढ़ जा रही थी। रायगढ़?
मैंने तो वो आपको पहले नहीं देखा। तुम मेरा मतलब आप भी रायगढ़ में रहते हैं? जी हाँ, वहाँ मेरा छोटा सा घर है, एक छोटा सा खेत है। फिर तो आप मेरे पापा को जरूर जानते होंगे, ठाकुर शमशेर सिंह। ठाकुर शमशेर सिंह, भैया वो देखो लगता है मेरे भैया आ गए। ठाकुर करण सिंह, लगता है ये वही बस है। मीनाक्षी कहाँ है? सुरक्षित है भैया। भैया तुम ठीक हो ना? हाँ भैया, बादल ने मुझे डाकुओं से बचाया है। ये अपने ही गांव का है, बहुत शरीफ है, बहुत बहादुर है। बादल, ये मेरे भैया हैं ठाकुर किरण सिंह। तुमने हमारी बहन की जान बचाई है, हम तुम्हारा एहसान नहीं रखना चाहते। ले लो अपना इनाम। इनाम इज्जत से दिया जाता है ठाकुर, भीख की तरह नहीं। इसे अपने पास रखो, पर एहसान मैंने तुम पर या तुम्हारी बहन पर नहीं किया, मुसीबत में फंसी एक लड़की पर किया है, जिसे बचाना एक इंसानी फर्ज है। मीनाक्षी चलो। बादल तुम्हें भी तो रायगढ़ जाना है, चलो हमारे साथ चलो। नहीं, आप अपने भैया के साथ जाइए, मैं इनके साथ चलूंगा। लेकिन मीनाक्षी चलो, चाचा जी परेशान हो रहे होंगे। बाय। पापा? आ गई बेटी। पापा? तू ठीक है ना बेटी? तू ठीक है ना बेटी? हाँ पापा। जब से तुम्हारे बस के लुटने की खबर सुनी बेटी, हमारी तो जान ही निकल गई। बस हम भगवान से यही मांगते थे, हमारी एक ही एक बेटी है, उसे कुछ ना हो बेटी। अरे पापा, आप तो ऐसे छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं। अरे क्या करे, पाप का दिल है ना। मीनाक्षी भाभी, मेरी प्यारी प्यारी स्वीट स्वीट भाभी, हाउ आर यू? अरे चंपा तुम कैसी हो? यहाँ सब कुशल है, और तुम्हारी कुशलता के लिए सब लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। अरे जाने दो भैया, हम तुमसे बात नहीं करते। अरे अरे, घर आते ही भाई बहन में झगड़ा शुरू है। झगड़ा नहीं करूंगी तो और क्या करूंगी? जानते हो उस भैया ने क्या किया? क्या? पापा, जिस लड़के ने मुझे डाकुओं से बचाया, मेरी रक्षा की, खुद रात को बाहर सोया और मुझे बस में सुलाया, उसके साथ भैया ने ऐसे बिहेव किया जैसे वो कोई दुश्मन हो, और आते वक्त जीप में लिफ्ट भी नहीं दी। किरण ने जो किया वो ठीक है बेटी। बादल जैसे छोटे मोटे आदमियों को अपने बराबर की जगह देना हमारी शान के खिलाफ है। इसमें शान की क्या बात है पापा, जंगल में तो उसने मुझे। मीनाक्षी तुम सफर से आई हो, थक गई होगी, चलो चलकर मुंह हाथ धो लो, बातें बातें बाद में करेंगे। लेकिन जा बेटी जा। मेरी समझ में नहीं आता भाभी कि बादल में ऐसी कौन सी बुराई है कि पापा को उसका नाम सुनते ही गुस्सा आ गया। तुम्हें इन बातों से क्या लेना देना, तुम शहर से आई हो, थक गई होगी, चलो आराम कर लो, चलो। भाभी मैं बादल के बारे में जानना चाहती हूँ, हमारे उनसे कोई झगड़ा है क्या? नहीं भाभी। मीनाक्षी, बादल के बाप ने मेरे ससुर जी का खून किया था। चाचा जी का खून? मेरी बेटी की सदा रक्षा करना प्रभु, उसे हर बुरी नजर से बचाना। आइए आइए ठाकुर साहब, जाओ ठाकुर साहब, आइए पधारिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्री शैले। हाँ बेटी, हम फिर कभी आएंगे। क्यों पापा? आज हमसे पहले किसने यहाँ भेंट चढ़ा दी? रुकिए ठाकुर साहब, अगर आपको बुरा लगा है तो हम अपनी भेंट उतार लेते हैं, पहले आप पूजा कर लीजिए। हम अपने दुश्मनों का एहसान नहीं लेते। भगवान के घर में सभी दोस्त होते हैं ठाकुर साहब, पर भगवान दुश्मनी को दोस्ती में बदल देता है। कभी नहीं। क्या करेंगे पापा, पूजा करे बगैर चले जाएंगे तो भगवान का निरादर होगा। हाँ ठाकुर साहब, बच्ची ठीक कह रही है,
जिस श्रद्धा से आप आए हैं उसी श्रद्धा से पूजा करा के जाइए। आइए मैं पूजा कराता हूं, आइए आइए। ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, अपने भक्तों के मन में प्यार सदा बढ़ाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नागेंद्र हाराय, त्रिलोचनाय। ओम नमः। 20 साल पहले की बात भैया अभी तक नहीं भूले भाभी। अपने बाप की मौत कोई कैसे बुला सकता है? पर भाभी, कुसूर तो बादल के पिता ने किया था, सजा बादल को क्यों मिले? ठाकुरों को दुश्मनियां भी राजगद्दी की तरह विरासत में मिलती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी बाप के बाद बेटा संभालता है। दुश्मनी है कहाँ भाभी? जो दुश्मन थे वो तो खत्म हो गए। न बादल का बाप जिंदा है न चाचा जी। जो भी है, हम ठाकुरों के रीति रिवाज नहीं बदल सकते। क्यों नहीं बदल सकते? ऐसे फजूल के रीति रिवाज बदल नहीं होंगे। ये लो, ये मेरी बिल्ली यहाँ बैठी है, मैं सारा घर देखा। देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। क्या लाए हो? हमारी बहन की मनपसंद चीज है, पूछो तो क्या है। अरे ये तो बहुत भारी है। अच्छा भैया, वही बचपन वाला मजाक, पत्थर भर के लाए हो ना? अरे नहीं नहीं, मजाक नहीं है, पार्सल खोल कर तो देख, देखना। अच्छा बॉक्स। ओह भैया, यू आर ग्रेट भैया। मगर एक वादा करना होगा। क्या? कि तुम एक दिन में 20 पन्ने से ज्यादा नहीं पढ़ोगी। क्यों? देखो, अगर तुम दिन भर पढ़ती रहोगी तो ये खूबसूरत आंखें खराब हो जाएंगी, और फिर मुझे अभी तेरी शादी भी करनी है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन को चश्मा लग जाए। देखा भाभी, अभी मैं घर आई भी नहीं और भैया पहले ही मुझे घर से निकालने की सोच रहे हैं। ए पगली, ये तो एक भाई के दिल से पूछ, और फिर तू तो मेरी एक ही बहन है ना। बस तेरी शादी ऐसी धूमधाम से करूंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। क्या करूं समझ में नहीं आता, जब भी मिलने की कोशिश करता हूं कोई ना कोई आ जाता है। पहली मुलाकात हुई तो भाई आ गया, मंदिर को मिली तो बाप आ गया, अब तूने चंपा को भेजा है वो अभी तक नहीं आई। वरमाला पहनने के लिए तू 2 मिनट नहीं रुक सकता? इस रावण को देख, शिव जी के आशीर्वाद के लिए मैंने 400 साल तपस्या की। अबे ओश मुझे क्या बोली चंपा, कल वो शिवरात्रि मेले में आएगी? वो नहीं आ सकती, घर में ठाकुर साहब भैया सब है। उसके घर में तेरे लिए कोई रोल नहीं है, मेरे साथ काम कर रामलीला में, उसे भूल जा। मैं उसे भूल नहीं सकता। अरे बच्चे, इश्क करना है तो हमारी तरह कर, देख हमारी चंपा का प्यार, न ये दिन देखती है, न रात, न आंधी, न बरसात, न इसे अपने बाप की फिक्र है, न मेरे बाप की फिक्र है। बेचारी खुद मेरे लिए चल के आती है और मैं इसे सीताफल खिलाता हूँ। वो भी आएगी, उसे आना ही होगा। अच्छा मैं भी जाती हूँ। अरे ठहरो, मैंने तुमको जाने की इजाजत कहाँ से दी है? अरे देर हो रही है, मुझे ढूंढते ढूंढते बापू यहाँ आ गए तो? आने दो, वो लंकापति रावण का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर वो मूंछों वाला खटमल हम दोनों के बीच में आया, मैं उसकी छाती के ऊपर चढ़ के इसकी मूंछों का एक एक बाल ऐसे उखाड़ूंगा जैसे मुर्गी गोबर में से चींटी को निकालती है। बापू पड़ गया बापू, अगर तुम्हारा बापू नहीं मानेगा कि हम दोनों की शादी हो, मैं तुमको मोटरसाइकिल पे भगा के ले जाऊंगा। बापू, अरे बापू क्या करेगा, मैं उस गधे को इस गधे से ऐसा मारूंगा। तो तू मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करेगा? बापू, बापू करता हूँ नाटक खत्म तेरा। अगर आज में ड्रामा खत्म कर देंगे तो हमारी शादी के बाद आपकी बेटी को खाना कौन खिलाएगा? और तू मेरी मूछों का एक एक बाल उखाड़ेगा? हा? ये आपने क्या किया, मूछ मेरी इज्जत थी, ये मेरा खजाना है। इज्जत? मैं तुझे नंगा करके गधे पे बिठाऊंगा। क्या बात कर रहे ससुर जी, मैंने तो फैसला किया था कि मैं बारात लेके आऊंगा घोड़े पे, गधे पे से बोला। और बारात नंगा करता हूँ तुझे, तू देखता जा, नंगा हो, तुझे करता हूँ नंगा मैं। आप क्या मेरा बलात्कार कर रहे हैं? ए, ए, अरे है, रावण बनता है, नंगा करता हूँ तुझे, देखता चल तू। तो आपने तो अपने होने वाले दामाद को नंगा कर दिया, मैं आपको पुलिस स्टेशन पर नंगा करवाऊंगा। क्या कर रहे हो तुम, मुझे मिलती क्यों नहीं? धीरे बोलो, मैं तुम्हें नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती?
अब मैं तुम्हें क्या समझाऊं? तुम जाओ यहाँ से, किसी ने देख लिया तो कैसा हो जाएगा? तुम जाओ। मैं तुमसे वादा लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। कल तुम मेले में आओगी कि नहीं? बादल, तुम मेरे पापा का गुस्सा नहीं जानते, क्यों अपनी और मेरी जान गंवाना चाहते हो? प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ से प्यार करती हूँ। बादल, मेरी मजबूरी समझो, प्लीज चले जाओ। मेरी मजबूरी समझो, मेले में नहीं आओगी तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, बस। बादल प्लीज, बादल बादल चले जाओ। मैं भैया आगे पहले पहले वादा करो। बादल, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज बादल। पहले तुम मुझसे वादा करो। मीनाक्षी बादल, भैया बादल, तुम नीचे खो जाओ प्लीज। बादल प्लीज, मैं जाऊंगा नहीं। मीनाक्षी नीचे लटक रहा हूँ, मैं तुमसे वादा लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा, याद रखना। भैया तुम अभी तक सोए नहीं? नहीं, नींद नहीं आ रही थी, सोचा तुमसे कोई किताब ले लूं। तुम यहाँ रहो, मैं लेके आती हूँ। अरे ये बालकनी का दरवाजा तो खुला रखे सोती है, इसे बंद कर लिया कर। भैया बाहर नहीं जाना। क्यों? वो क्या? वो वहाँ वो बहुत ठंडी हवा चल रही है ना। अरे पगले, इसीलिए तो बंद कर रहा था। नहीं भैया, तुम अभी अभी बिस्तर से निकले हो, बहुत ठंडी हवा में सर्दी लग जाएगी, मैं खुद बंद कर लूंगी। हाँ तुम ये किताब ले लो। अरे तो ये शेर शायरी कब से पढ़ने लगी? बड़ा अच्छा शेर है, तो भी सुन। दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, जब तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा खुदा क्या है। बहुत अच्छा है। अच्छा एक बात बता, कल तेरा क्या प्रोग्राम है? कल मैं और तेरी भाभी चौधरी साहब के बेटे के घर खाना खाने जा रहे हैं, तू भी चल हमारे साथ। क्यों? तुम जाओ, मैं आ जाऊंगी, मैं आ जाऊंगी, पक्का आ जाऊंगी। क्या हुआ तुझे? कभी बोलती है नहीं नहीं, कभी बोलती है तुम जाओ मैं आ जाऊंगी, ठीक तो है ना? भैया मेरा मतलब है अभी तुम जाओ, मैं कल जरूर आ जाऊंगी। ओके गुड नाइट। मैं यहाँ हूँ, मुझे ढूंढो। मैं आ रहा हूँ। मैं यहाँ हूँ। My coming, my coming। हाय रे तेरी जवानी। हाँ आजा 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 आजा। अरे तू तो घोड़े पे बैठ गया। आजा। अरे अभी अभी तो तू ऐसा था, तू ऐसा कैसे बन गया? तेरी तो शक्ल ही बदल गई है, इतना बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के तो तू राजा लग रहा है। हाँ अरे तेरा राजा, तू मेरी रानी बनेगी? अरे चेंगा, ऐसे बनती है क्या रानी? खुद तो घोड़े पे बैठा है और मैं यहाँ नीचे। तू बैठेगी मेरे घोड़े पे? हाँ। मैं आ रहा हूँ। अरे धत, तू तो मेरा राजा नहीं है। I'm coming। राजा राजा। अरे मैं तुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहा हूँ। तू यहाँ है? हाँ। देख तू वहाँ पर भी है। देख ये तो साला धोबी अपने गधे पर बैठा हुआ। अरे भैया तन्ने गांव में मन धोबी आया कपड़े धोने, कपड़े धुलाए लो। चल ए कहाँ जा रहा है? चल रानी चल, मैं तुझे अपने घोड़े पे बैठा दूँ, आ जा। ए चल तू धोबी की औरत, जा अपने गधे पर बैठ, ये गधे पर नहीं बैठेगी, समझे? हाँ। छोड़ इसे। हाँ मैं कहता हूँ छोड़ इसे। क्या? छोड़ दे। तो छोड़ दी। मुझे छोड़कर खुद पकड़ता है, चला धोबी की औलाद, जा अपने गधे पर, रानी का भी गधे पर बैठी है क्या? हाय रे तेरी रानी। अरे चल हट हट, चल जा जा। नहीं जाऊंगा, चल नहीं जाऊंगा। मैं कहता हूँ मैं नहीं जाऊंगा। मैं कहता हूँ हट। मैं नहीं जाऊंगा। मैं कहता हूँ हट। चल मैं तुझे रानी बनाता हूँ, आजा। दे बजरंग बली, चला धोबी की औलाद, धक्का मारता है।
फिर मैं सारा कपड़े की तरह पछाड़ूंगा। ये क्या है? भक्सा लेता है। धोबी चल आराम से पिल्ले, तू ये शायद नहीं जानता कि तूने किसके साथ मजाक किया है। तू राजा लग रहा है। हाय रे तेरा राजा। हाय रे तेरी हंसी जो हमेशा के लिए फंसी मेरी कस्तूरी। सरकार शिकार खेलने गए थे या? हाय रे मेरा शिकार, क्या जिस्म था संगे मरमर की तरह, क्या मोटी मोटी क्या अब आंखें थी। किसकी? अब मेरा मतलब है हिरनी की। हटिए, मैं आपसे बात नहीं करती। क्यों? साल बाद आए हो और मुझसे मिले बिना सुबह सुबह शिकार पर चले गए। साल भर में एक बार भी मेरी याद नहीं आई। हाय रे तेरी याद, अरे जालिम साल भर तेरी याद की चादर लपेट के ही तो सोया हूँ। तू तो मेरे डल्लब का गद्दा है, मेरा मखमल का तकिया है। बात आ रही है? किससे? अब मेरा मतलब है कपड़ों में से, ये सब कीचड़ लगा हुआ ना। मैं आपके लिए गर्म पानी का इंतजाम करती हूँ। पता मिल गया। कौन है वो? रायगढ़ के ठाकुर साहब, शमशेर सिंह की बेटी मीनाक्षी। शमशेर सिंह की बेटी मीनाक्षी? हाँ। अरे मेरे राजा। हाथ को जरा समोड़ो। हाँ, अब तलवार का पॉइंट सामने वाले की आंख की तरफ होना चाहिए। हाँ। यह हाथ ऐसे, पांव को जरा समोड़ो, जरा सखम, वेरी गुड। अब जैसे हाँ। बताया वैसे अटैक करना। हम अच्छा मीनू रेडी अटैक। 1 2 3 4 वेरी गुड 1 2 3 4 शाबाश बेटी शाबाश। वाओ शाबाश। अच्छा मीनू देखो अब मैं अटैक करता हूं, तुम अपने आप को बचाना। रेडी 1 2 3 4 ओ भैया दैट्स चीटिंग, ये तो आपने हमें सिखाया नहीं था। अच्छा अभी सिखा देते हैं। देखो जब सर पे कोई वार करे तो तलवार को ऐसे रखना चाहिए। okay. अब मैं वार करता हूं, तुम रोकना। पोजीशन बचाओ। जीजा जी को साले साहब का नमस्कार। इतने दिनों बाद दर्शन हुए हैं तुम्हारे, कहाँ थे? शाबाश बेटी शाबाश, यू वेरी गुड। जी बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के शिकार पे निकला था, चाय बना तो सोचा आप लोगों से मिलता हो जाओ। पाल आगे जी। जी इधर आओ बेटे, कब आए? बस अभी आया जी। आप मीनाक्षी हमारी बेटी? अच्छा मेरी जगह और कोई होता तो शायद आपको नहीं पहचानता। कल तो आप बिल्कुल अलग सी लग रही थी। मैं? जी कल वो आपके साथ वो गधा था ना? मेरे साथ? मेरा घोड़ा। आप मेरा घोड़ा तो पहचानते हैं ना? लगता है तुम मेले में कल भांग खा कर गए थे जो किसी दूसरी लड़की को मीनाक्षी समझ बैठे हो। श्री जीजा जी मैं एक शिकारी हूँ, आंख और कान दोनों से बहुत तेज। अच्छा मीनाक्षी जी मुझे सिर्फ इतना बताइए कल आप मेले में थी कि नहीं? हाँ भाई थी, हमें भेजा था भैया।
ये भी कोई तरीका है मिलने का? सालों साल अपनी शक्ल नहीं दिखाते हो। कैसी है तू? ठीक हूँ भैया, मुझे तुमसे कितनी सारी बातें करनी है। अरे भाई, जब इतनी सारी बातें करनी है तो पहले इन्हें आदर सत्कार से अंदर ले जाओ, कुछ जलपान कराओ। हमारे साले साहब कितने दुबले हो गए। चलो भैया अंदर चल के बातें करते हैं। रामपुर वाली मौसी का फिर संदेश आया था, एक बार जाके लड़की देखा ना। कोई फायदा नहीं। क्यों? जिंदगी भर ब्रह्मचारी रहने का इरादा है? इरादा तो अब तक यही था, लेकिन एक लड़की ने बदल दिया है। अगर वो हाँ कह देना तो मैं अभी इसी वक्त शादी कर लू। अच्छा, तो कोई और लड़की देख रखी है? अरे मैं भूल ही गया, मैं अपनी बहना के लिए देखो एक हाँ। भैया कितना खूबसूरत है, कितना ख्याल रखते हो आप मेरा। कामनी, अगर तुम चाहो वो लड़की तुम्हारी भाभी बन सकती है। बोलो ना भैया, वो लड़की कौन है? मीनाक्षी। मीनाक्षी? अरे अभी तक ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? अगर ये रिश्ता हो जाए। हो जाएगा भैया, समझो तुम्हारी शादी पक्की। तो समझो मेरी प्यारी सी छोटी बहन के लिए एक तोहफा और पक्का। आपने मुझे बुलाया पापा? हाँ बेटी, आज हमें अपनी लापरवाही पर बहुत अफसोस हो रहा है। हमें पता ही नहीं कि हमारी बेटी इतनी बड़ी हो गई है कि अब उसे बाहर जाने के लिए अपने पापा की इजाजत की जरूरत ही नहीं। हा? पापा वो मैं ऐसे ही। वैसे तुम्हें अफसोस तो हो रहा होगा कि तुम्हारी वजह से आज तुम्हारे पापा को झूठ बोलना पड़ा। I'm sorry, पापा। मेले में किसके साथ गई थी? चंपा के साथ। बादल तुम्हारे साथ नहीं था? हमें बादल से कोई मतलब नहीं बेटी, हमें सिर्फ तुम्हारा ख्याल है, क्योंकि तुम हमारे खानदान की इज्जत हो और हम नहीं चाहते कि तुम्हारी वजह से किसी को यह मौका मिले कि कोई हम पर उंगली उठा सके। क्यों दोस्त, बहुत खुश है ना? हाँ क्यों नहीं होगा, आज मीनाक्षी जो तुझ पर बैठने वाली है, बहुत खुश नसीब है तू। लेकिन सुन, खूब अच्छी तरह से सैर करा ना। अरे यार झटके मत मार यार, रुक, मैं कह रहा हूं रुक। कमाल है दोस्त, ये पीछे क्या चले जा रहे हैं? अगर जिंदगी में पीछे जाओगे ना तो मीनाक्षी खुश नहीं होगी, समझे? आगे बढ़ो, आगे धीरे, समझे? चलो बेटे। हाँ ये हुई ना बात, धीरे धीरे शान से मस्त हाथी की तरह चलो। क्यों नहीं चलेगा तू, मीनाक्षी तो तुझे बहुत पसंद है और तूने ही तो पहली मुलाकात शहर में मीनाक्षी से करवाई थी। लेकिन पता नहीं आज मीनाक्षी क्यों नहीं आई अभी तक। ए क्या हो गया तुझे, अच्छा भला तो चल रहा था? अबे आग क्यों मर रहा? ए मीनाक्षी आ गई। ओ मीनाक्षी कितनी देर कर दी तुमने। बादल मैं अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ आई हूँ तुमसे ये कहने के। ये कहने की ना, कि आज के बाद तुम रोज मिलोगी? नहीं बादल, भूल जाओ मुझे, मेरे घर वाले कभी नहीं मानेंगे, इसके बाद हम नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते, कौन रुकेगा हमें? अरे मेरे घर वाले या तुम्हारे घर वाले तो क्या, सारी दुनिया हमें प्यार करने से रोक नहीं सकती। ना मुझे किसी का डर है और ना ही किसी की परवाह, मैं सारी दुनिया के सामने चिल्ला चिल्ला कर कह सकता हूं मीनाक्षी कि मैं मीनाक्षी से प्यार करता हूं। सुनोगी? मैं मीनाक्षी से प्यार करता हूं, मैं मीनाक्षी से प्यार करता हूं, मैं मीनाक्षी से प्यार करता हूं। मैं कभी झूठ नहीं बोलता दीदी, मैं तो वो शिकारी कुत्ता हूं जो बंदूक की गोली से पहले ही शिकार तक पहुंच जाता है। ये क्या कह रहे हो भैया,
मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं दीदी, अपनी इन दो आंखों से मैंने बादल और मीनाक्षी को नाचते और गाते देखा है। ये तो बहुत अपमान की बात है। नहीं तो मैं कह रहा हूं दीदी, आज तो सिर्फ मैंने देखा है, कल दुनिया देखेगी, उसके बाद ठाकुर साहब की। मीनाक्षी जी, वाह 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 वाह, कितनी लंबी उम्र है आपकी, मैं अभी अभी आप ही की तारीफ कर रहा था। अच्छा मीनाक्षी, ये तुम्हारे कपड़ों को क्या हुआ? भाभी वो खेतों में कीचड़ था ना, मैं मुंडेर पर से चल रही थी, पैर फिसल गया, और ये सब कपड़े हैं। कपड़ों की कोई बात नहीं है मीनाक्षी, लेकिन ऐसे मत फिसलना कि ठाकरों के नाम पे कलंक लग जाए। खानदान का नाम खूब रोशन किया है मीनाक्षी। पापा मैंने तो ये टेलीग्राम। अरे हाँ, मेरी बिल्ली तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट आई है। फर्स्ट क्लास। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, इस खुशी में तो एक आलिशान पार्टी होनी चाहिए। अरे पार्टी होगी, जरूर होगी, क्यों चाचा जी? जरूर होगी। माँ क्या है वो? मैं क्या रे? क्या है कि मैं वो देखो ना, सुबह से शाम तक तुम अकेली घर का काम करती हो। मैं तो बरसों से करती आ रही हूं। तभी बात और थी, तभी मैं बच्चा था, अभी मैं जवान हो गया हूं मां। ठीक है, आज से खाना तू पका ले। मैं नहीं तो बहू ले आ। अरे बहू तो मैं अभी लेकर आ सकता हूं, लेकिन मुझे इतिहास दोहराना पड़ेगा। क्या मतलब? पृथ्वीराज और संध्यता की शादी कैसे हुई थी? ओ, तो तू उसे जबरदस्ती उठा लेना चाहता है? मजबूरी है। अगर उसका बाप जयचंद का रोल कर रहा है तो मुझे भी पृथ्वीराज बनना ही पड़ेगा। वैसे मां, वो अपने आप को और अपने खानदान को कुछ जरूरत से ज्यादा ही ऊंचा समझता है। तो तेरा वंश कौन सा छोटा है? धन दौलत और जागीर नहीं रही तो क्या, मान मर्यादा तो है। ऊंचे लोग संबंध जोड़ते समय शान नहीं, सामने वाले की आन देखा करते हैं। मुझे घर बता, मैं आज ही तेरे दादाजी से कहती हूं। लेकिन मां, दादाजी तो नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? तेरी खुशी के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। कौन है लड़के का बाप? नाम तो बता। ठाकुर शमशेर सिंह। नागिन, तूने सोचा भी कैसे? मां नहीं, ये रिश्ता कभी नहीं होगा। सुनिए, अपनी मीनाक्षी कैसी रहेगी भैया के लिए? मीनाक्षी? हाँ हाँ, आइडिया तो बुरा नहीं है। मैं कल ही चाचा जी से बात करूंगा। बात क्या, मैं तो कहती हूँ फैसले कर दो। अब मीनाक्षी की शादी में ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। क्यों? कल मेले में मीनाक्षी बादल के साथ थी। बादल? आओ किरण, आओ। आपने ठाकुर हिम्मत सिंह के खत का जवाब दे दिया चाचा जी? हाँ बेटे, हमें उनका बेटा अपनी मीनाक्षी के लिए बेजोड़ लगा। पैसा और खानदान के साथ साथ तालीम का होना भी बहुत जरूरी है। आपका विक्रम के बारे में क्या ख्याल है? कौन विक्रम? अपनी कामिनी का भाई विक्रम। खानदान, जायदाद, तालीम सभी कुछ तो है उसके पास। नहीं किरण, जिस घर से हमने बेटी ली है उस घर में बेटी देना ठीक नहीं, ये हमारे बुजुर्गों का उसूल है। लेकिन हालात की आंधी बड़े से बड़े उसूल बिखेर देती है चाचा जी, शायद आप नहीं जानते। उस दिन मेले में मीनाक्षी अकेली नहीं थी, हमारे दुश्मन का बेटा बादल भी उसके साथ था। हम जानते हैं। फिर भी आप खामोश हैं? आज सारे गांव में इस बात की चर्चा है कि बादल मीनाक्षी का सहारा लेकर हमारे घराने को नीचा दिखाना चाहता है, प्यार की आड़ लेकर हमें जलील करना चाहता है। चाचा जी, अगर कहीं उसने हमारी मीनाक्षी को बहका दिया तो हमारे बुजुर्गों के तमाम उसूल धरे के धरे रह जाएंगे। बरखुदार, हमारे बुजुर्गों के उसूल क्या थे ये हम आपसे बेहतर जानते हैं। इससे पहले कि उनकी गैरत पर जरा सी भी आंच पहुंचे,
वो अपनी बेटियों को जिंदा जमीन के नीचे गाड़ दिया करते थे, जानते हैं आप? हमें अपनी मीनाक्षी पर पूरा भरोसा है। लेकिन अपने भरोसे पर खानदान की इज्जत को दांव पर मत लगाइए चाचा जी। मैं जानता हूं मीनाक्षी आपकी कमजोरी है, आप बेटी का बड़ा से बड़ा कसूर माफ कर सकते हैं, यहां तक कि उसकी खुशियों के लिए अपने भाई की मौत को भी भूल सकते हैं। लेकिन मैं अपने बाप की मौत को नहीं भूल सकता चाचा जी, नहीं भूल सकता। किरण, किरण, सोच लो, मेरे घर में नौकर भी नहीं है जो तुम्हारी देखभाल करे। मेरे पास नौकर है। है? कौन? तुम जो हो ना। मजाक छोड़ो, मेरा घर भी बहुत छोटा है। मैं तुम्हारी बाहों में रह। मैं समझ गया, इसके बाद मैं बोलूंगा मेरे घर में दाल रोटी बनती है, तुम कहोगी मैं कुछ भी खा लूंगी। मैं कहूंगा मैं तुम्हें अच्छे कपड़े नहीं दे सकता, तुम कहोगी मैं कुछ भी पहन लूंगी। अरे ये तो सब प्रेमी कहते हैं, लेकिन ये बताओ तुम्हें हुक्का भरना आता है? हुक्का? हाँ। नहीं। फिर तो मुश्किल है। क्यों? दादाजी कभी हाँ नहीं कहेंगे। अगर तुम्हें हुक्का भर... मैं हुक्का भरना भी सीख लूंगी और पीना भी सीख लूंगी। बादल, मुझे माँ का प्यार कभी नहीं मिला, मैं तुम्हारी माँ की सेवा करूंगी, उनका प्यार पाऊंगी। बस मुझे एक ही बात का डर है, हमारे खानदान की दुश्मनी। मीनाक्षी, अगर घर वाले नहीं माने तो? वो नहीं माने तो मैं अपना घर छोड़ के तुम्हारे पास आ जाऊं। तुम्हें जाने कौन देगा? भैया घर चलो। मीनाक्षी, आप चालबाज, बदला लेने के लिए लड़की का सहारा लेना चाहता है? अरे मर्द है तो सामने आकर मुकाबला करना। आज देख अपनी बात अपनी आंखों से। उठ। नहीं किरण सिंह, तू मीनाक्षी का भाई है और मैं अपने हाथ तेरे खून से रंगना नहीं चाहता। ये क्यों नहीं कहता कि तेरे हाथों में इतनी ताकत नहीं है? उठ हाथ। नहीं किरण सिंह, हमारे खानदान की इज्जत पर हाथ डालना चाहता है कमीने? भैया, अरे तू क्या हाथ उठाएगा, तू भी तो अपने बाप की तरह कायर है। अपनी जबान पर काबू रख किरण सिंह। अरे चिल्लाता क्या है, तेरी जगह कुत्ता होता तो वो भी काट लेता। लेकिन तेरा बाप भी बुजदिल था और तू भी बुजदिल है किरण सिंह। उसकी रगों में भी न जाने किसका खून था और तेरी रगों में भी। किरण सिंह, अब देखते हैं किसकी रगों में किसका खून है। अपने बाप की मौत का बदला लेने देने से हट जा। मैं तुझे मीनाक्षी के लिए छोड़ रहा हूं, लेकिन दोबारा तूने मेरे खून को ललकारा
तो कसम मेरे पिताजी की, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। प्यासे को प्यास लगेगी तो नाले के पास ही आएगा, और कहाँ जाएगा? आज तेरी प्यास नहीं बुझा सकती, तू जा। क्यों, पानी में लाल दवा डाली है क्या? यही समझ ले, तू जा, बाबू का आने का टाइम हो गया है। उसके जाने का टाइम कब आएगा? क्या चंपा, अरे चंपा बेटी, ये तो आ गया, मुझे कहीं छिपाओ, अरे करो, अरे कुछ जगह है उधर? नहीं, इधर इधर। चलिए रहना चंपा बेटी, मेरे लिए पानी गर्म कर दे। पानी, पानी इस वक्त? हाँ, मुझे नहाना है। अरे सुबह तो नहा था बापू, फिर सर्दी भी तो है। सवाल जवाब ना कर बेटी, तू चूल्हा जला दे, मुझे जाना है, नहाना है। पाप करके आया होगा। वो माचिस नहीं बापू। शुक्र है। जरा बनिए से माचिस तो ले आ बापू। माचिस मेरे पास है, ये ले। यार मुझे जला के रहेगा। अरे खड़ी खड़ी क्या कर रही है तू, जल्दी कर, मुझे देर हो जाएगी। हाँ बापू, हाँ बापू, माचिस गीली है। गीली कैसे हो गई? ला मुझे दे, मैं जलाता हूँ। कहती है गीली हो गई। अरे इसमें पानी है कि नहीं? हाँ बापू, मैंने अभी अभी एक बाल्टी पानी डाली है। बापू नहाना बहुत जरूरी है। हाँ बेटी, हवेली जाना है, सारे इंतजाम करने हैं मैंने। आज ठाकुर साहब मीनाक्षी की सगाई विक्रम सिंह के साथ कर रहे हैं। मीनाक्षी की सगाई विक्रम से? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे ये ढमले से आवाज कैसी? पानी, पानी गर्म हो रहा है बापू। इतनी जल्दी, जरा देखने दे, दे। ठंडा हो जाएगा बापू, आप अंदर चलिए, मैं अभी गर्म पानी ले आई, जाइए ना बापू। अरे कोई जल्दी नहीं, पानी गर्म हो जाएगा, नहाने में मजा आएगा। मैं देखता हूँ कि पानी गर्म हुआ है। नहीं बापू, अरे ठंडा हो जाएगा, ड्रम फट जाएगा। अरे लोहे का ड्रम कैसे फट जाएगा, मैं देखता हूँ। इसीलिए तो मैं कहती हूँ, लोहा गर्म होगा तो फैलेगा, और फैलेगा तो फट जाएगा बापू। मैं देखता हूँ पानी कितना गर्म हो गया। नहीं बापू, आप अंदर चलिए, मैं गर्म पानी लाती हूँ। अरे क्या लड़की है, चलिए। अरे बेटी क्यों मार रही है, मुझे नहाना है। पापा ये कार्ड आपने छपाया है क्यों? कुछ गलत छप गया है? इससे तो ये लगता है कि ये पार्टी मेरे पास होने की खुशी में नहीं, मेरी सगाई अनाउंस करने के लिए दी जा रही है। क्या बुराई है इसमें? अच्छाई बुराई सोचने का आपने मुझे मौका ही कहां दिया है। पापा आज तक आपने मेरे बारे में जो भी फैसला किया है मुझसे पूछ के किया है, लेकिन अब आपने मुझसे बात तक नहीं की। हमने तुमसे बात करना जरूरी नहीं समझा। क्यों? इसलिए कि हमारे खानदान में ऐसा नहीं होता। आपके खानदान में ऐसा भी तो नहीं हुआ है कि कोई लड़की घर से बाहर जाकर हॉस्टल में पड़ी हो? तुम्हारा कहने का ये मतलब है कि तुम्हें हॉस्टल में भेजकर हमने गलती की? आप ये सगाई करके गलती कर रहे हैं। बेटी हम कोई गलती नहीं कर रहे, हम तुम्हारे बाप हैं, और तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भरना हमारा फर्ज भी है, हक भी। और बेटी का बाप पे कोई हक नहीं? है, मगर शादी के मामले में नहीं। क्यों नहीं? ये मेरी जिंदगी का सवाल है, मैं कोई गाय या बकरी नहीं कि आप जहां चाहे जिस खुंटी से चाहे मुझे बांध दे। मीनाक्षी फैसला हो चुका है, दावतनामे भिजवाए जा चुके हैं, हम नहीं चाहते कि पार्टी में तुम्हारी वजह से कोई बदमस्की हो, समझी? ओ मेरी होने वाली भाभी, ये सब रौनक आप ही के लिए है, नहीं मुस्कुराएंगे आप? मैं सच कह रही हूँ, अब आप टिकट टैक्स के मुस्कुरा सकती हैं, सच। Cheers! जवाब नहीं ठाकुर साहब, क्या महफिल सजाई है, शाम भी है और जाम भी है,
काश इस वक्त सास के साथ आवाज भी होती तो ये महफिल एक यादगार बन जाती। सबर के साथ मत छोड़िए सिन्हा साहब, आपकी ये आरजू भी। अभी पूरी कह देते। ठहरो। हमारे लाख मना करने पर भी आज तुमने हमारे घर में कदम रखा। आज सरेआम तुमने हमें जलील करने की कोशिश की। आज हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं चाचा जी, आप इस जलील के खून से अपने हाथ मत रंगिए। इसे सबक मैं सिखाऊंगा। इस चबूक का जवाब मैं भी दे सकता हूं छोटे ठाकुर, अगर मेरा रिश्ता इस घर से मोहब्बत करना होता। तेरी ये मजाल। मारो मेरे बादल को। बादल। ले जाओ उसे यहां से। नहीं बादल, मैं बेवफा नहीं हूं। बादल, मैं बेवफा नहीं हूं। जालिमों ने तो अपनी तरफ से मार ही डाला था। वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि ये बच गया। ताऊ, इसका ख्याल रखना। मैं वैद्यराज जी को लेकर आता हूँ। सरदी, आओ मेरे साथ। और जा वहाँ और कर उस जालिम के बेटे से प्यार। माँ मर गई तेरी माँ, अपने हाथों से गला घोट दे मेरा और फिर जाओ ना हथियारों के दरवाजे पर अपने प्यार की भीख मांग। नहीं माँ। अरे कैसा बेटा है रे तू, अपने दादाजी की इज्जत का भी सोचा नहीं तूने? कितनी बार समझाया कि उसे भूल जा, तेरा और उसका मेल नहीं हो सकता, लेकिन नहीं, पृथ्वीराज चौहान बनेगा। अरे वो संयोगिता थी जो अपने प्यार के लिए अपने बाप का घर अपना खानदान तक छोड़कर आई। क्या ये वो सब कर सकती है? मुझे माफ कर दो बादल, मुझे माफ कर दो। मीनाक्षी, मैं मजबूर थी बादल, मेरी मजबूरी को मेरी बेवफाई मत समझो। मीनाक्षी, तुम ठीक हो जाओगे बादल, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारे सारे सपनों का दर्द मैं पी लूंगी। तुम आ गई हो मीनाक्षी, मेरे सारे जख्म भर गए। बादल, तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता, तुम मेरे हो बादल। बेटी, तू अब घर चली जा। नहीं माँ, मैं यहीं रहूंगी। जब तक बादल ठीक नहीं हो जाता मैं यहीं रहूंगी। तुम भी वही गलती करोगी जो बादल ने तुम्हारे घर जाकर की थी। अगर तुम्हारे पिताजी को पता चल गया कि इतनी रात गए तुम यहाँ हो तो
बेटी, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, मैं तुम जल्दी घर पहुंच जाओ। किसी को पता तो नहीं चला? नहीं। मत दिला कि अपनी बेटी के आंसू की वजह हम हैं। हाँ बेटी, हो सकता है बाप का फर्ज निभाने में हमसे कोई कमी रह गई हो, लेकिन यकीन करो, हमारे खून का एक एक कतरा अपनी बेटी की खुशियों के लिए हमेशा दुआ मांगता रहा। मैं जानती हूँ पापा, लेकिन हम समझते हैं, हम तुम्हारी मजबूरी समझते हैं। हम जानते हैं मोहब्बत वो सैलाब है जिसके आगे कोई धर्म, कोई समाज, कोई ताकत नहीं ठहर सकती। हाँ बेटी, हाँ हाँ, जिसके सामने बड़े बड़े शहंशाहों के तख्त और ताज झुक जाते हैं, उसके सामने हम क्या हैं, ये सब हम जानते हैं। इसलिए बेटी, जो तुम चाहती हो वैसा ही होगा। पापा, अगर तुम्हें यकीन है कि तुम बादल के साथ खुश रह सकती हो तो हम तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगे। सच पापा, सच पापा, पापा। हाँ बेटी, और तुम तो जानती हो कि ठाकुर के खानदान में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि बेटी के प्यार के लिए बाप ने अपनी खानदानी आन छोड़ दी हो। इसलिए इससे पहले कि हमारी कमजोरियों के कारण मूर्खों का सर झुक जाए, इससे पहले कि जात बिरादरी और समाज वाले हमारा मजाक उड़ाने लगे, हमें अपने रास्ते से हटा दो। बेटी, तुम हमेशा हमारी सबसे बड़ी कमजोरी रही, तुम्हारी खुशियों के लिए हम अपनी जान तक दे सकते हैं। पापा, नहीं पापा, नहीं पापा, नहीं। जानते हो हमने तुम्हें यहां किस लिए बुलाया है? जानता हूं। अगर कोई कसर बाकी रह गई तो उठाइए बंदूक, सेना हाजिर है। लेकिन एक वादा रहा ठाकुर साहब, आपकी बंदूक की गोलियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन मेरे दिल से मीनाक्षी के लिए मोहब्बत कभी खत्म नहीं होगी। हम तुम्हारी मोहब्बत को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए हमने फैसला किया कि तुम्हारे पुरखों की वो सारी जमीनें और वो खेत जो हमने खरीद लिए थे, हम तुम्हें वापस कर देंगे। मीनाक्षी के दहेज में? बादल, हम जानते हैं कि तुम अपने बाप का बदला लेने के लिए हमारी बेटी के साथ मोहब्बत का नकली नाटक खेलकर हमें बदनाम करना चाहते हो। बदला या बदनामी अगर मेरा मकसद होता ठाकुर साहब, तो मैं आपकी बेटी को कब का भगा ले गया होता। तो तुम अब तक जिंदा ना होते। हम तुम्हें आखिरी बार समझाने आए हैं कि मैं आपकी बेटी की जिंदगी से दूर चला जाऊं, यही ना? हम उसकी कीमत देंगे, हमारे खानदान की इज्जत के लिए हम कुछ भी दे सकते हैं। कौन सी इज्जत?
जिसके लिए एक ठाकुर बाप अपनी बेटी का सौदा करने आए हैं। बादल, तुम्हारी ये हिम्मत? ये हिम्मत मीनाक्षी की मोहब्बत की देन है ठाकुर साहब। ये वही हिम्मत है जो सैकड़ों कूड़े खाने के बाद भी आपके सामने सर उठाए खड़ी है। बदनसीब, चोटी के पर निकलते हैं तो वो सोचती कि वो हवा में उड़ने लगेगी। बेवकूफ ये नहीं जानती कि पर का निकलना उसके लिए मौत की निशानी है। अगर तुमने फिर मीनाक्षी से मिलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें गोली से मार डालूंगा। मैं मर जाऊंगा ठाकुर साहब, लेकिन मेरी मोहब्बत हवा में मिलकर आपके कानों से टकरा कर गूंजती रहेगी कि मीनाक्षी मेरी है, मैं मीनाक्षी से मोहब्बत करता हूं। हट! हम मीनाक्षी का प्यार बहुत जल्दी कर देना चाहते हैं। बहू, अपने भाई को पैगाम भेजो, कहो शादी की तैयारियां करें। ये हाथ ठीक रहेगा जी। ठाकुर शमशेर सिंह को यह नहीं लगना चाहिए कि उसकी बेटी किसी मामूली आदमी के घर जा रही है। जी ठाकुर साहब, इस हार की कीमत अगर नगद मिल जाए तो मैं आपको ये 3 लाख में दे दूंगा, वरना 3,30,000। मैं आपके फायदे की बात कर रहा हूँ हुजूर। अरे मेरा फायदा? तुझे कितनी बार समझाया है कि लिखता जा खाते में, लिखता जा, एक एक पैसे का हिसाब चुका देंगे हमारे हुजूर। बस ठाकुर शमशेर सिंह की बेटी के साथ शादी हो जाने दी, उसी उम्मीद पर तो मैं माल दे रहा हूँ। वाह 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 वाह, तो सरकार शादी कर रहे हैं? शादी? तो आपने सब सुन लिया रानी, ये शादी नहीं, शादी का दिखावा है। ठाकुर शमशेर सिंह की जायदाद का चक्कर है। ठकुराइन तो तू बनेगी मेरी। हाँ मेरी ठकुराइन। हमारे जात की औरत एक मर्द की होती है सरकार, मर्द का फिसलना तो बर्दाश्त कर सकती है, मगर फिसल कर किसी और का होना नहीं। ये कटार जितनी छोटी है ना। अरे तेरी छोटी कटार। अरे राने, एक बार ठाकुर शमशेर सिंह की जायदाद अंदर आने दे, फिर देखना वो बाहर और तुम अंदर। सच? मैं अंदर और वो बाहर? बिल्कुल। ये बहुत नायाब गहने, सब आप ही के लिए लेके आया हूँ। बहुत अच्छा। इसका पल्लू थोड़ा सा बड़े पल्लू वाला देखना चाहेंगे। ये थोड़ा कढ़ाई वाला दिखाओ ना। और कढ़ाई वाला? अच्छा मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, बहुत बढ़िया चीज है। चाचा जी, ये रंग मीनाक्षी पे कितना खिलेगा ना। और ये देखिए बहू, जो तुम्हें अच्छा लगता है ले लो, दिल में कोई हसरत बाकी मत रखना। ऐसी शादी होनी चाहिए कि आते बरसों तक लोग याद रखें। ये देखिए पापा, और आज मेरा व्रत है, मैं मंदिर जा रही हूँ। 2 मिनट रुक जाओ, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। भाभी, चंपा जा रही है ना मेरे साथ? नहीं, बहू साथ जाएगी। और दिखाओ। अभी तक आई क्यों नहीं? अरे कैसे नहीं आएगी, चंपा की माँ भी आएगी। चंपा की कौन बात कर रहा है, मैं मीनाक्षी की बात कर रहा हूँ। जब देखो तुझे मजाक सूझता है। अरे तू आ गई। शर्मती, ये छिपकली हर वक्त इसके साथ क्यों चिपकी रहती है? इस छिपकली को रास्ते से हटा सकता है? रास्ते से? ठीक है, मैं उसके पीछे गिरगिट लगाता हूँ। सन्यासी, तू चल मंदिर में, मैं बुर बंदर होके आता हूँ। आओ नाग को दूध पिलाए। नहीं भाभी, मुझे डर लगता है, मैं यहीं रहती हूँ, मेरी तरफ से चंपा जो है ठीक है। नाग देवता को दूध पिलाओ। इनको दूध पिलाओ, नाग देवता को दूध पिलाओ, इनको नाम नहीं करना, आज सोमवार का दिन है। वो भाभी, भाभी को दूध रखने के लिए कर रहा है, तुम मेरे साथ आओ। तुम दूध नहाओ, पूतो फलो, भगवान तुम्हारी गोद भरेगा। हाँ भाभी, हो सकता है भगवान तुम्हारी गोद भर दे। क्यों नहीं भरे? तुम कहो तो मैं तुम्हारी गोद भर दूँ।
देखा नाग देवता नाराज हो गए। हाँ। उस्ताद ये लीजिए मुंह में लगाइए और बजाइए। बताता हूँ जब तक मैं पकड़ नहीं लेता आप यहीं बैठिए। नहीं बादल, मैं पापा के सामने कुछ नहीं बोल सकती। वो तुम्हारी शादी कहीं और कर देंगे और तुम कुछ नहीं बोलोगी। उसे डर लग रहा है, मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। मेरी समझ में आता है। तुम्हारे पिता माने या ना माने, मैंने जगत पिता के सामने तुम्हें अपनी पत्नी मान लिया है। भाभी तुम ठीक तो हो ना? मैं भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रही थी। सिंदूर, कुंवारी लड़कियों की मांग में सिंदूर ही हुआ करता। रहने दो भाभी, मैंने पूजा के लिए माथा टेका था, भगवान ने आशीर्वाद दे दिया तो इसे मिटाना क्यों, ये तो भगवान का प्रसाद है। माने या ना माने, मैंने जगत पिता के सामने तुम्हें अपनी पत्नी मान लिया है। मैंने जगत पिता के सामने तुम्हें अपनी पत्नी मान लिया है। इससे पहले कि हमारी कमजोरियों के कारण पुरखों का सर झुक जाए, इससे पहले कि जात विरासत और समाज वाले हमारा मजाक उड़ाने लगे, हमें अपने रास्ते से हटा दो बेटी। अब बोल तुझे क्या चाहिए। देख मीनाक्षी, आज तेरा भाई सचमुच बहुत खुश है, जो चाहिए बोल दे। कुछ नहीं भैया। ए, अपने भाई का अपमान करना चाहती है? नहीं भैया, मैं तो क्या, अरे एक बार अपने होंठ तो खोल, तुझे जो चाहिए वो मिल जाएगा। क्यों, मेरी बात का भरोसा नहीं है? देख अब अपने भाई का और इम्तिहान मत ले, जो चाहिए जल्दी से बोल दे। मीनाक्षी, क्या बात है, किसी ने कुछ कहा? तो फिर बोलना क्या बात है, तुझे मेरी कसम। भैया, मैं जो मांगूंगी क्या आप सचमुच मुझे दे सकेंगे? ए पगली, अरे तू मांग कर तो देख,
आज मैं तुझे दुनिया की कोई भी चीज दे सकता हूँ। बोल। मेरी मांग का सिंदूर बचा लो भैया। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? हाँ भैया, बादल के साथ मेरी शादी हो चुकी है। नहीं बादल, मीनाक्षी मीनाक्षी कह दो ये सच नहीं है। ये सच है भैया। नहीं नहीं मीनाक्षी नहीं। मंदिर में भगवान के सामने बादल ने अपने हाथों मेरी मांग भरी थी, कर्म के नाते अब मैं उसकी हूँ। मेरी जिंदगी का फैसला अब आपके हाथ में है भैया। आप चाहे तो चाचा जी के खून का बदला ले सकते हैं और चाहे तो अपनी बहन का उसका सिंदूर लौटा सकते हैं। मेरी मांग का सिंदूर बचा लो भैया। हाँ भैया, बादल के साथ मेरी शादी हो चुकी है। मंदिर में भगवान के सामने बादल ने अपने हाथों मेरी मांग भरी थी, धर्म के नाते अब मैं उसकी हूँ। मेरी जिंदगी का फैसला अब आपके हाथ में है भैया। आप चाहे तो चाचा जी के खून का बदला ले सकते हैं और चाहे तो अपनी बहन का उसका सिंदूर लौटा सकते हैं। सुनिए, कहाँ जा रहे हो? बादल से मिलने। और जब तक मैं वापस ना आऊं तुम खामोश रहोगे। क्या ये क्या कह रही है तू? हाँ भैया, मीनाक्षी ने बादल से शादी कर ली है। मोहब्बत के सैलाब में दुश्मनों के महल गर्क हो गए। तेरे जीजा जी बादल से समझौता करने गए हैं। अरे उनका समझौता, ये समझौता नहीं, मेरे इरादों की मौत है। बहन, मुझे तेरी इस राखी के धागों की कसम, ये समझौता होने से पहले मैं बादल का खून कर दूंगा। वो शायद ये नहीं जानता कि मैं वो शिकारी कुत्ता हूं जो गोली के पहुंचने से पहले शिकार तक पहुंचता है। चालाकी और होशियारी की दाद देने आया। प्यार का नाटक तो था ही, तुमने छिपकर मीनाक्षी के साथ शादी भी कर ली, लेकिन मंदिर में की गई शादी को मानेगा कौन? कोई माने या ना माने, हमें जो करना था वो कर लिया। तुम क्या सोचते हो मीनाक्षी तुम्हारी बीवी हो गई? वो आज भी ठाकुर शमशेर सिंह की तुम्हारी बेटी है और वो जहां चाहे उसकी शादी कर सकते हैं। अच्छा तो फिर करके दे। तुम क्या कर लोगे? मेरा नाम बादल है किरण सिंह, मैं आसमां समी पे ले आऊंगा, इतना बरसूंगा कि तुम्हारी हवेली जड़ से उखाड़ कर ले जाऊंगा। ऐसे तूफान लाऊंगा कि तुम्हारी झूठी शान मान मर्यादा तुम्हारा अहंकार सब एक साथ तह जाएंगे और उस तूफान की छाती पर सिर्फ एक चीज नजर आएगी, वह मेरी मोहब्बत, मेरी मीनाक्षी। प्यार नाटक नहीं होता किरण सिंह, सच्चाई है, भगवान से बढ़कर सच्चाई। क्या सबूत है तुम्हारे पास इस सच्चाई का? क्या सबूत है कि तुम मीनाक्षी को धोखा नहीं दे रहे? क्या सबूत है कि तुम ये सब हमसे दुश्मनी निभाने के लिए नहीं कर रहे? तुम मीनाक्षी के भाई हो ना, ये लो चलाओ गोली। अगर तुम्हें लगता है कि मैं अपने प्यार के आड़ में धोखा कर रहा हूं तो छलनी कर दो मेरे दिल को, अपनी आंखों से देखना
मेरे खून की हर बूंद में मीनाक्षी नजर आएगी। लोकेरन सिंह, तुम्हें उसकी राखी की कसम। नहीं बादल, आज तक जिसे मैं खानदानी दुश्मनी का बदला समझता रहा वो हकीकत में तुम्हारी सच्ची मोहब्बत निकले। तुम मेरी बहन के सुहाग हो, मुझे माफ कर देना, मैं तो सिर्फ तुम्हें आजमा रहा था। आओ बादल, आओ। मैं उसे अपने हाथों टोली में नहीं बिठा सका। किरण, दीजिए सरकार। नहीं, मुझे कोई घबराहट नहीं है। हाय रे तेरा पसीना, शादी से पहले ही पसीने छूट गए सरकार। कस्तूरी, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। तो फिर कहाँ वक्त काटने की तैयारी है? हाँ, वो आज रक्षाबंधन है, मुझे अपनी बहन के यहाँ दावत पे जाना है। हमारी दावत का भी ध्यान रखिए सरकार। हाय रे तेरी घबराहट। भाई हम पूछ रहे हैं भाई, तुमने विक्रम को खाने के लिए कहाँ भी था है? दो से ज्यादा हमसे पी नहीं जाते दोपहर को, दो बज रहे हैं, हमारे पेट में जुए भाग रहे हैं। और वो नमस्ते ठाकुर। आओ विक्रम, आओ, बैठो बैठो बैठो। माफी चाहता हूँ। अरे नहीं, माफी की क्या बात है। अपना वो कहा है? वो अपना, हाँ वो अपना किरण कहा है? अरे हाँ, किरण कहा? बस आते होंगे। वेरी बैड, वेरी बैड। ये तो बहुत अजीब बात है ठाकुर साहब, हमें दावत पे बुला के खुद गायब हो जाना। हाँ, ठीक है, वो ग्यारह होगा। क्या कहा होगा ठाकुर साहब? आज राखी का दिन है, अपनी बहना के लिए कोई अनमोल तोहफा लेने गया होगा। छोटे ठाकुर, छोटे ठाकुर, सरकार छोटे ठाकुर, छोटे ठाकुर, ठाकुर साहब, किसी ने किरण सिंह पे गोली चला दी। आज मैं तुझे मीनाक्षी के लिए छोड़ देता हूं, लेकिन तूने दोबारा मेरे खून को ललकारा तो कसम मेरे पिताजी की, मैं तुझे चांद से मार डालूंगा। तुमने मेरे भाई का खून किया? नहीं मीनाक्षी, रेकिन कर, मैंने उसका खून नहीं किया। झूठ मत बोलो, तुमने मेरे साथ भी प्यार का नाटक किया, क्योंकि तुम्हारे दिल में पाप था। नहीं मीनाक्षी, तुम अपने बाप का बदला लेना चाहते थे। मीनाक्षी झूठ है मीनाक्षी। तब तो उसे दिन मेरे भैया का खून कर देते अगर मैं तुम्हें ना रोकती। नीच हत्यारे, धोखेबाज़।
सुरक्षित। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम मीनाक्षी को रखिन करो, मैंने खून नहीं किया मीनाक्षी, मैंने खून नहीं किया। मैं तुम्हें मार डालूंगी, मार डालूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। ठाकुर साहब, अब मेरा यकीन कीजिए, मैंने किरण का खून नहीं किया। जो किरण पर गोली चलाकर भाग रहा था, मैंने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वो भाग गया। ये झूठ बोल रहे ठाकुर साहब, इस हरामजादे ने मेरी बहन को विधवा बना दिया, उसका स्वाद लूट लिया। इस समाचार ने ठाकुर साहब, इसके किस्म के टुकड़े टुकड़े। मैंने खून नहीं किया, मैंने खून नहीं किया, मैंने खून नहीं किया, मेरा यकीन कीजिए, मैंने खून नहीं किया ठाकुर। तुम्हारे बाप ने हमारे भाई की हत्या की, हम खामोश रहे। तुमने हमारी बेटी के साथ प्यार का नाटक किया, हम खामोश रहे। आज आज तुमने हमारे खानदान के आखिरी चिराग को बुझा दिया, अब हम खामोश नहीं रहेंगे। राम सिंह बंदूक, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ठाकुर साहब, ये मामला अब आपका नहीं, कानून का है। ये मुजरिम है, इसे सजा कानून देगा। गिरफ्तार कर लो इसे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा खूनी नहीं, वो मीनाक्षी के भाई का खून नहीं कर सकता, कभी नहीं। बहू, मेरा दिल भी यही कहता है। ठाकुर शमशेर सिंह ने अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए बादल पर झूठा इल्जाम लगाया है। बेटी, तू चिंता न कर, मैं अभी जिंदा हूं। मैं शहर के बड़े से बड़े वकील के पास जाऊंगा, बड़ी से बड़ी अदालत में जाऊंगा, अपनी जिंदगी भर की कमाई दांव पर लगा दूंगा, लेकिन अपने पोते को जेल से निकाल कर लाऊंगा। तू फिक्र न कर बेटी, फिक्र न कर। तू तो अंतर्यामी है, सबके दिल की बात जानता है। तुझे पता था कि बादल अपने बाप का बदला लेने के लिए मुझसे प्यार का ढोंग रचा रहा था। तू जानता था कि वो मेरे भाई की हत्या कर देगा, तो फिर तूने उसके खूनी हाथों से मेरी मां क्यों भरने दी? तूने तूने मेरे साथ ये अन्याय क्यों किया भगवान, क्यों किया? अन्याय तो उसके साथ हो रहा है बेटी, जो खूनी नहीं और तुम उसे खूनी समझ रही हो। वो खूनी है, उसने मेरे भाई की हत्या की है। नहीं बेटी, वो खूनी होता तो खून करके भाग गया होता, तुम्हारे भाई की लाश लेकर तुम्हारे दरवाजे तक नहीं आता। वो खूनी नहीं, इसका फैसला तो अदालत करेगी। बेटी, तुम्हारे दिल की अदालत का फैसला क्या है? दिल के रिश्ते नाते अब सब टूट चुके हैं, अब मेरा उसके साथ कोई संबंध नहीं है। लेकिन फर्ज का संबंध कैसे टूटेगा? मान लो कि वो खूनी है, उसे सजा भी हो सकती है। हो सकता है अदालत उसके गले में फांसी का फंदा डाल दे, लेकिन तुम इसे इनकार कर सकती हो कि भगवान के सामने तुम्हें उसे अपना पति स्वीकार किया है? बोलो, भगवान को साक्षी रखकर कह दो कि वो तुम्हारा पति नहीं।
ठाकुर साहब, वकील साहब की बातों से ऐसा लगता है कि बादल को उम्र कैद तो हो ही जाएगी। नहीं, फांसी। जज सजाए मौत ही सुनाएगा। हाँ, इसका हमें पूरा यकीन है। विक्रम जी, कोर्ट का फैसला तो कल हो ही जाएगा। जी, हम चाहते हैं एक दूसरा फैसला भी हम कर डालें। फैसला? कैसा फैसला ठाकुर साहब? विक्रम, हमारे घर को किसी ने नजर लगाई है। हम बहुत जल्द ही इस नजर को उतार डालना चाहते हैं। हम चाहते हैं तुम्हारी और मीनाक्षी की शादी जल्दी से हो जाए। हाँ, आजकल के हालात को देखते हुए कुछ रौनक कुछ आनो शौकत तो। मैं आपका गम समझता हूँ ठाकुर साहब, लेकिन किरण सिंह की मौत को कुछ ही दिन हुए हैं, लोग क्या कहेंगे? मेरी बहन क्या सोचेगी ठाकुर साहब? कुछ भी नहीं सोचेगी, कोई भी कुछ नहीं सोचेगा। विक्रम, किरण सिंह के जाने के बाद हमेशा लग रहा है जैसे कि हम बहुत बहुत अकेले हो गए हैं। हम चाहते हैं कि किरण सिंह की जगह तुम ले लो। ठाकुर साहब, आपने मुझे इस काबिल समझा, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं किरण सिंह तो नहीं बन सकता, लेकिन वादा करता हूं कि आपको किरण सिंह की कमी कभी महसूस नहीं होगी। आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी ठाकुर साहब। शाबाश बेटे, तो जाओ पंडित को बुलवाओ और शादी का मुहूर्त निकलवाओ। सरकारी वकील की तरफ से पेश किए गए सबूत और गवाहों की बिना पर अदालत बादल को ठाकुर किरण सिंह का कातिल करार देती है और इंडियन पीनल कोड की दफा 302 307 के तहत उसे उम्र कैद की सजा का हुक्म सुनाती है। नहीं, 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 ये झूठ है, ये अन्याय है जज साहब, ये अन्याय है। मेरा बेटा निर्दोष है, उसे सजा मत दीजिए। उसने खून नहीं किया जज साहब, उसने खून नहीं किया। मेरे बेटे को छोड़ दीजिए जज साहब, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। ठाकुर साहब, आपको अपने भाई की मौत का बदला लेना है तो आप मुझे उम्र कैद की सजा दिलवा दीजिए, आप मुझे फांसी लगवा दीजिए, मुझ पर खून का इल्जाम लगवा दीजिए, लेकिन मेरे बेटे पर जुल्म मत कीजिए। कह दीजिए जज साहब को कि मेरा बेटा बेकसूर है, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ ठाकुर साहब, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। तू बादल की माँ है, तेरा सर मैं हिमालय से ऊंचा देखना चाहता हूँ। तू किसी अरे ठाकुर किरण सिंह का कातिल। ठाकुर साहब, किरण सिंह पे गोली इसने चलाई। ठाकुर साहब, मैंने इसे देखा है। हाँ ठाकुर साहब, खूनी यही है। ये ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, मैंने इसे गोली चला तुम्हें देखा। ठाकुर साहब, मैं सब कह रहा हूँ ठाकुर साहब, जब साहब इसे पकड़ लीजिए। किरण सिंह ने इसे गोली चलाई ठाकुर साहब, जब साहब इसे पकड़ लीजिए। इसे पागल है, मैं ये शादी नहीं करूंगी। मेरी शादी हो चुकी है। इसका मतलब तुम अभी तक अपने भाई के कातिल को नहीं भूली। मैं जानती हूं भाभी, अगर मेरे पति कातिल हैं, तो विधवापन ही मेरा भाग्य है।
मुझे किस्मत का लिखा मंजूर है, तुझसे शादी करना नहीं। मीनाक्षी, चाचा जी अभी तक तेरे भाई की मौत का सदमा नहीं भूले, तुम उन्हें और सदमा पहुंचाना चाहती हो? मीनाक्षी, तुमने जो शादी की थी वो शादी नहीं थी, एक झूठ था, बच्चों का एक खेल था जिसे तुम सच बनाना चाहती हो। मजबूर करोगी भाभी तो मैं सच कहती हूँ, इस घर से मेरी डोली नहीं, मेरी अर्थी उठेगी। ठाकुर शमशेर सिंह की हवेली से तुम्हारी डोली ही उठेगी। अर्थी उठाने का इतना ही शौक है तो ससुराल जाकर पूरा कर लेना उसे। बूबा 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 महबूबा बूबा 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 दिल रूबा रूबा। सहरा मुबारक हो सरकार। मुबारक 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 आए रे तेरी मुबारक। कस्तूरी, मैंने जिंदगी में जो चाहा आज मुझे सब मिल गया है। मेरे पास आज पैसा ही पैसा है। मैं ठाकुर शमशेर सिंह के यहाँ कस्तूरी आज बारात लेके जा रहा हूँ। इस खुशी के मौके पर तुम्हें कुछ मांगना हो तो मांग लो। मेरी और आपकी शादी? वो तो है ही। है नहीं सरकार, होगी। आज का दिन है मंगल। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, सूत्र का धागा तुम्हारे गले में डाल देता हूँ तो हो गया मंगल सूत्र। अरे पगली, तू तो अच्छी तरह से जानती है कि ठाकुर की जायदाद के लिए मैं उसकी बेटी मीनाक्षी के साथ शादी कर रहा हूँ, वरना तू तो मेरी है और हमेशा रहेगी। मैं अब इन बातों में नहीं आऊंगी। क्यों, अब क्या हो गया? क्योंकि मैं आपके बच्चे की मां बनने वाली हूं। नहीं, ये कैसे हो गया? ये नहीं हो सकता। तुम्हें मां बनने का कोई हक नहीं। किसने कहा था मां बनने के लिए? सरकार, आपने वादा किया था मुझसे शादी करने का। अरे तेरी शादी, शादी का वादा किया था मां बनाने का नहीं। न जाने किसका पाप मेरे गले पे डाल रही है। सरकार, क्या सबूत है तुम्हारे पास जो तुम्हारे पेट में बच्चा हो मेरा और किसी का नहीं? अच्छा ये बात है तो सरकार, सबूत तो इस बात का भी नहीं कि किरण सिंह का खून बादल ने ही किया है। खूनी तो कोई और भी हो सकता है, और वो तमंचा जिसे किरण सिंह का खून किया गया अभी तक पुलिस को मिला नहीं। जो ढूंढ रहे हो सरकार वो यहाँ है मेरे पास। मैंने अभी पुलिस को नहीं दिया। नहीं दिया? नहीं दिया? मैं नादान था कस्तूरी, मैं भटक गया था इस दौलत की दुनिया में। मैं भटक गया था कस्तूरी। आज मुझे एहसास हुआ कि तू कितना प्यार करती है मुझे। तुझे ठुकरा के मैं कितनी बड़ी भूल कर रहा था कस्तूरी। कस्तूरी, मैं कसम खाता हूं कि तू मेरे बच्चे की मां बनेगी। मैं तेरे साथ शादी करूंगा। अग्नि के सामने मंत्रों के साथ मैं तेरे गले में मंगल सूत्र डालूंगा। हमारा एक छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा होगा, अपना घर होगा जहां पर सिर्फ तू होगी, सिर्फ मैं होऊंगा और कोई तीसरा नहीं होगा। कोई तीसरा नहीं होगा। कोई तीसरा नहीं होगा। कस्तूरी, तू शायद भूल गई थी कि मैं वो शिकारी कुत्ता हूं जो गोली से पहले शिकार तक पहुंच जाता है। भूल गई थी ना? खैर, मैं याद दिलाता हूं। विक्रम, बादल, तू जो तुमने भागाया, तू क्या समझा था? किरण सिंह के खून का इल्जाम मेरे सर पर लग रहा है, तू बचा ले। Thank you.
कौन हो लड़की? उसी शैतान का सिक्का जिसने किरण सिंह का खून किया ठाकुर साहब। ठाकुर किरण सिंह का खून? हाँ। किसने किया? ठाकुर विक्रम सिंह ने। बादल को बचा लीजिए ठाकुर साहब वरना। बादल कहाँ है? बादल शायद तुम्हें समझने में गलती की है, हमें माफ कर देना बेटे। आज तुम्हारे प्यार ने हमारी दुश्मनी का सर हमेशा के लिए झुका दिया। आओ बेटे, जीते रहो।